हर महादेव। तो कैसे हो भाइयों और उनके प्यारी बहनों? साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। तो फिलहाल मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही मजेदार, सस्ता और तड़कता फड़कता व्लॉग, जो कि हमारा होने वाला है हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार मतलब अपने दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश सारी जगह के लिए। तो फिलहाल ये आज का ब्लॉग होने वाला है, ये बजट ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको हरिद्वार ऋषिकेश की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप कितने बजट में घूम सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, खाना कहाँ खाना मतलब ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल हम लोग अभी हरिद्वार पहुँच चुके हैं और हरिद्वार की जो टिकट का प्राइस है अपने दिल्ली से 105 रुपये है जनरल का। अगर आप रिजर्वेशन से आना चाहो तो रिजर्वेशन भी करवा सकते हो, मेन एयर में तो वैसे दोनों बेस्ट हैं। तो हम तो अभी जनरल से आए हैं और हरिद्वार पहुंच चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 7। बात करें ट्रेन टाइमिंग की दिल्ली से, तो आपको दिल्ली से हरिद्वार के लिए बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। सबकी टाइमिंग मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, आप देख के चेक कर लेना अपने हिसाब से आपको किससे आना है। फिलहाल हमारी जो ट्रेन थी वो थी मसूरी एक्सप्रेस, जो कि देहरादून तक जाती है, और रात को इसका जो डेली का रूटीन है टाइम है रात को 10:25 पे है, आपको प्लेटफार्म नंबर 13 से मिलेगी, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हमारी भाई उसी हम लोग उसी ट्रेन से आए एंड वो अभी खड़ी हुई है। तो अब चलते हैं हर की अपने आगे इंजॉय करने। तो ब्लॉग में बने रहना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फुल मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। और फिलहाल मैं अभी अकेला नहीं आया, हमारी पूरी टीम आई है दिल्ली से, बारी बारी सबसे मिलाता हूँ चलो। तो ये हमारी टीम का पहला मेंबर लल्ला, और रवि, रश्मि, दीपक, सिमरन, और इसका नाम क्या है, रोशनी, साक्षी, गुनगुन, और उनका नाम क्या, शक्ति कपूर नहीं नहीं क्या नाम था उनका, ममता, और हमारी रागनी। तो ये हमारे सारे टीम के मेंबर हैं, आज इसका व्लॉग इन सब के साथ होने वाला है। तो बढ़ते हैं घाट की तरफ। फाइनली हम लोग हर की पौड़ी घाट पहुंच चुके हैं, अब यहाँ करते हैं स्नान और बताते और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे के व्लॉग में देता रहूँगा। और स्टेशन से यहाँ पे आने के बदले 10 रुपये लगते हैं, वैसे 10 रुपये तो नहीं, पिछली बार तो हम पैदल आ गए थे इस बार, लेकिन हम लोग पब्लिक ज़्यादा है तो 10 रुपये दे के आए हैं। और ये वही घाट है, ज़्यादातर आपने रील्स वगैरह में सब में देखा होगा, जो हर की पौड़ी घाट दिखाते हैं जहाँ पर गंगा आरती होती है शाम को, वो यही घाट है, यहीं पे शाम को गंगा आरती होती है, शाम को 5 से 6 से 7 बजे के बीच। तो अगर हम यहाँ पे शाम तक रुके तो आपको गंगा आरती भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं और करते हैं स्नान। चलो भाई चलो, डुबकी लगाओ यार, कैसे रुक रहे हो, चलो जाओ फटाफट। शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ, लगाओ लगाओ। लगा लगा डुबकी लगा। हर हर गंगे। जा रहे तो जाओ फिर ला फोटो वगैरह। चालू है यार वीडियो। पानी के लिए और कॉलिया के लिए ठंडा पानी लग रहा है काफी, बाकी ये सब नहा रहे हैं। ये देखो कमलैया ने डुबकी लगाई, कमलैया भी नहा ले। कैसे ड्रामा कर रहे हो यार, कैसे ड्रामा कर रहे हो भाई। लगा लगा लगा, बीच में जाके लगा, बीच में जाके लगा, बीच में लगा, दीपा डुबकी लगा। भाई
हर हर महादेव। तो फाइनली हम सब लोग एकदम स्नान करके नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, और आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।